सीबीएसई पेपर लीक मामले में हिमाचल में पकड़े गए आरोपियों के मामले पर शिक्षा मंत्री ने भी ठीक ढंग से जांच पड़ताल किए जाने की बात कही है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने इस मामले को केंद्रीय बोर्ड का मामला करार देते हुए पल्ला झाड़ा है, लेकिन फिर भी जांच करवाने के लिए मांग की है। सीबीएसई पेपर लीक मामले में हिमाचल के ऊना जिला के एक स्कूल के 3 लोगों को गिरफ्तार किए जाने पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी जांच करने की बात कही है। हमीरपुर के कन्या विद्यालय में नेटबुक वितरण समारोह के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीबीएसई के पेपर लीक का मामला केंद्रीय बोर्ड का मामला है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और लीक पेपर क्यों हुआ और जांच पड़ताल ठीक से होनी चाहिए ताकि दोबारा से ऐसा ना हो। सीबीएसई जो है ये केंद्रीय सरकार का मामला है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मामला है। इसमें लीक नहीं होना चाहिए पेपर, लेकिन अगर जो है वो जांच में पाया जाता है कि भी लीक हुआ है तो निश्चित रूप से जो है वो फिर इवन प्लेइंग फील्ड जो है सब बच्चों को नहीं मिलती है। कहीं जो है वो जिसने लीक कराया है क्रिमिनल इंटेंशन के कारण उसको फायदा पहुंच सकता है, लेकिन इसकी निश्चित रूप से जो है वो केंद्रीय सरकार भी जांच कर रही है और जांच होनी चाहिए इसकी। और कुछ क्लासेज में जो है जो द्वारा पेपर दिए जा रहे थे वो शायद केंद्रीय सरकार ने जो है वो उसका निर्णय जो है लिया है सेंट्रल बोर्ड ने कि वो कराने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर जो है वो लीक क्यों हुए हैं, क्यों होते हैं, इसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए और इसकी पूर्ण व्यवस्था भी होनी चाहिए कि ऐसी घटना जो है ना हो, क्योंकि इससे जो है बच्चों को नुकसान होता है। प्रदेश में बढ़ रही डमी एडमिशन पर शिक्षा विभाग सख्ती से काम करने की तैयारी में है और बकायदा इस तरह की डमी एडमिशन करने वाले संस्थानों पर गाज गिराई जाएगी। इसके लिए डिप्टी डायरेक्टरों की ड्यूटी लगाकर तुरंत रिपोर्ट तलब की जाएगी। हमीरपुर में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने डमी एडमिशन को रोकने के लिए सख्ती से काम करने की बात कही है। भारद्वाज ने कहा कि ऐसे संस्थानों पर नजर रखने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि डमी एडमिशन को रोकने के लिए जल्द काम होगा और ऐसे विद्यालयों पर पूरी नजर रखी जाएगी और डमी एडमिशन पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग डमी एडमिशन करने वाले संस्थानों पर नजर रखे हुए है। देखिए, सारे हिंदुस्तान में राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो लागू है। 2013 से उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है पूरी तौर से हो जानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है वो पिछली सरकार ने इसे लागू ही नहीं किया। उसमें सभी प्रोविजन्स हैं, आप निजी स्कूलों हों या सरकारी स्कूल हों, उनकी हर प्रकार की गतिविधि पर जो है वो सरकार निगाह रख सकती है और एक्शन ले सकती है, एक्सेप्ट निजी स्कूलों की फीस के बारे में, जिस पर जो है वो हम नया कोई कानून बनता है या उसमें कोई पॉलिसी बनानी है, रूल्स बनाने हैं, वो अभी देखेंगे। लेकिन बाकी चीज़ों में उसमें जो है वो हम जांच भी कर सकते हैं, एक्शन भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार की एडमिशन सब स्कूलों के जो है वो हम देखेंगे कि हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं और जो एफिलिएशन देते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं ऐसे विद्यालयों की, उनके ऊपर भी जो है वो नज़र रखी जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए। अगर इस प्रकार की डमी एडमिशन जो है वो पाई जाती हैं तो उन पर जो है वो रूल्स के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। क्या है डमी एडमिशन? बता दें कि डमी एडमिशन का चलन बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसमें छात्र स्कूल में केवल एडमिशन ही लेता है और कहीं और जगह पर कोचिंग लेता है, लेकिन स्कूल में उसकी हाजिरी फर्जी तौर पर लगती रहती है।